ओम शांति। आज है 12 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास व पुरुषार्थ बताया कि किसी भी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाबा से लव रखो। फिर बाबा ने कहा कि किसी भी देहधारी को श्री का टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। ब्रह्मा बाप को श्री का टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि उनका यह अलौकिक जन्म है। और कहा, अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। कर्म करते हुए भी सदा स्मृति बनी रहे कि अब हमको वापस अपने घर चलना है, यह पुराना सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे अब हमको भी जाना है अपने घर। फिर आज भी बाबा ने व्यर्थ से सावधान रहने के लिए कहा कि शिव बाबा इस ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा बोलते हैं, जो ज्ञान रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए, फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। फिर कहा, कोई बच्चे तो बड़े खुशी से बैठ व्यर्थ बातें सुनते हैं, और ही रहम दिल बन किसी में कोई पुरानी आदत है तो उन्हें मिटानी चाहिए, हाँ जी कहकर सुनना नहीं चाहिए, अर्थात उनकी व्यर्थ बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर भी वही धंधा करते हैं, यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी, निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। बाबा कहते हैं, अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। फिर लास्ट में कहा कि तुम पक्के राजयोगी हो, ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे, सिमरण करते करते अंत मते सौगति हो जाएंगी, सवेरे उठकर बाबा को याद करो, जो अंत में देह भी याद न आए, मैं आत्मा हूँ, बस यही स्मृति रहे। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। मीठे बच्चे, किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। आज मुरली से प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर है, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते हैं, क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख और चैन हो। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो जरूर पहले बेसमझ थे, यह भी नहीं समझ में आता कि यह पतित दुनिया है, और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी, परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसी को पता नहीं, समझते हैं वहाँ सतयुग में भी दुख था, यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो, यह पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी, पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे, फिर गीत भी रोंग हो जाता है। बाबा कह रहे हैं, जो गीत की लाइन में है कि कहीं सुख चैन की दुनिया में ले चल, तो फिर वह सुख चैन की दुनिया हुई नहीं ना, फिर रोंग हो जाता है यह लाइन। कहते भी हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी,
देवी देवताए थे, कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे, गाते भी हैं, फिर शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं, जो समझते हैं, यह परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है, इस समय उन्होंने की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं, समझते हैं परंपरा से पतित पना चला आया है, अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं, आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं, सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं स्थिति के अनुसार ही पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो, फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते, श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, यह तो एक की ही महिमा हो सकती है, यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते, भल तुम इनको ब्रह्मा बाबा को इस समय कहते हो, क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए, तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं, भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते, श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री राधे श्री कृष्ण कहते हैं, मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते, अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी पतित सृष्टि है, पतित को भी भ्रष्टाचार कहेंगे, वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए सभा करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते, बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, जलता ही नहीं फिर खड़ा हो जाता है, यह भी मनुष्य को समझ में नहीं आता, जिसे जला दिया फिर उसे हम नया क्यों बनाते हैं। बाबा कितना अच्छा समझा रहे हैं कि एक बार जला दिया तो फिर खत्म हो जाना चाहिए, फिर हम ही बनाकर उसको जलाते रहते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहाँ तो एफेजी निकालेंगे नहीं, कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा, रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, यह तो सारी दुनिया लंका है, रावण राज्य में तो सब है, वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखलाया भी है भारत की पूंछड़ी है, अर्थात श्रीलंका को भारत के सबसे नीचे दिखाते हैं, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना, रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, यह भी तुम समझते हो, कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेगा, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे, यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे, 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, अर्थात 7 दिन उनको अलग से बिठाई कोर्स कराना पड़ता है, जब तक लायक बने, फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है, यह पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं इतनी ऊंची खुशी की बात होते हुए भी बच्चे इतना खुशी से नशे में समझाते नहीं है। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसी को समझाने की युक्ति आए, फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखना है, कहेंगे परमपिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा, तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे यह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं, इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, शिव बाबा हो गया दादा और वह बाप, शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा, सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है, बहुत सहज है, मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना, हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं,
माता से वर्षा नहीं मिलेगा, बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तो कहता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो कहता नहीं हूँ कि इस देहधारी को याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पार्ट बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम अब मुझे याद करो, क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में नहीं रहना है, इसमें कोई चैन नहीं। इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी, फिर जाएंगे वहाँ से सुख धाम में, जहाँ शांति सुख दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख है तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी शांति नहीं होती जहाँ आत्मा को कुछ महसूसता ही ना हो। आत्मा को सतयुग में सुख और शांति दोनों की महसूसता होती है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम, यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु लोक नहीं हुआ है पढ़ना ही है, यह तो याद कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में रहते हुए इतना तो याद कर सकते हैं ना कि अब हमको जाना है अपने घर, यह दुनिया यह सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदले कर घर चले जाते हैं, वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, याद भी करते हैं। हे पतित पावन आओ, याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं दोनों बात करते हैं, एक तो परमात्मा को याद करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं सब जगह है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा नहीं सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोप वासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी हैं, एक ही घर के है ना। भाई भाई से युद्ध हो नहीं सकती, यहाँ युद्ध की बात ही नहीं, यह भी वंडर है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा वर्षा देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई युद्ध की बात नहीं है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जो बातें हुई ही नहीं है वह भी बना बना करके एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है, मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना, यह तो एक रसम है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं, बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है, उनका फिर मान कितना रखते हैं, बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाई, बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रसम रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते हैं और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। शिव बाबा का प्लान दुनिया से कितना अलग है, जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं उनके लिए सतयुग की स्थापना होती है, बाकी सब आत्माओं को शांति धाम में भेज देते हैं, यह है बाबा का विशेष प्लान।
तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं, और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या जहां स्वयं ज्ञान सागर सन्मुख आकर बात करते हैं, ज्ञान देते हैं। अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं, वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुननी भी नहीं चाहिए, कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें मत सुनो। बाबा व्यर्थ बातों में न जाने के लिए अटेंशन दिला रहे हैं कि कोई भी व्यर्थ फालतू बातें नहीं सुनना है। रहम दिल बन, किसी में कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हां जी कहे सुनना नहीं चाहिए, जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानी तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या तेलुक, कोई सुने या न सुने, हम तो ज्ञान का शुरमा पहन लेवे। अर्थात बाबा कहते हैं एक तो हमें किसी से व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, और दूसरा हमें भी उनको ज्ञान की बातें सुनाकर रहम दिल बन करके उनका कल्याण करना है। अर्थात ज्ञान का शुरमा पहन के रखना है। कोई ज्ञान अंजन लगाते हैं, कोई धूल अंजन लगाते हैं। ज्ञान अंजन अर्थात ज्ञान सुनाने वाले और पॉजिटिव देखने वाले, और धूल अंजन अर्थात व्यर्थ देखने वाले और व्यर्थ सुनाने वाले। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बातें सुनने सुनाने से उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, यह प्रश्न सबसे अच्छा है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना, भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाबा कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, आया भी भारत में है। बाबा कहते हैं मेरा भी अपकार करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, तभी तो मुझे धरती पर आना पड़ता है। समझा भी रहे हैं बच्चों को, हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसी की तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भूल भी जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है, अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर लगेगा, खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। बाबा कहते हैं निंदा करने से अपना भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान करते हैं, यह बात पहले भी समझाई थी, अब भी समझा रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं है। सिमरण करते करते अंत मते सौगति हो जाएंगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद न पड़े, हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, न सुननी है, ज्ञान का ही शुरमा पहनना है। दूसरा पॉइंट है, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, बहुत मीठे रूप में हर्षित हो बाप का परिचय देना है, अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजय व निर्विघ्न भव।
शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजय व निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं, तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी, यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।